हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मॉमीज। और मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप लेके आई हूँ ब्यूटी से रिलेटेड, जिसे लड़का लड़की दोनों यूज कर सकते हैं। हर बार जितनी भी मेरी वीडियो है उसमें ज्यादातर जो टिप्स है टिप है वो लड़कियों से रिलेटेड है, लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें लड़का लड़की ये टिप दोनों यूज कर सकते हैं। तो जो मैं टिप लेके आई हूँ ब्लैकेट से रिलेटेड है। बिना कहीं जाए घर में ही बैठ के आप ब्लैकेट कैसे निकालें, सिर्फ एक आसान तरीके से, बिना को रिमूव कैसे करें बिना पेन के। नॉर्मली लोग बाग क्या करते हैं, पार्लर जाते हैं रिमूव करवाने के लिए ब्लैकेट, या घर में ही स्क्रब कर लेते हैं। बट मैंने देखा है, खुद का देखा, मैंने मार्केट के इतने सारे स्क्रब यूज़ किए हुए हैं, एक या दो दिन तो सही रहता है, बट तीसरे दिन बाद ब्लैकेट दिखने लगता है। अगर आप लोग भी घर में स्क्रब यूज़ करते हो ब्लैकेट रिमूव करने के लिए, तो आपको भी ये चीज़ पता होगी कि दो दिन बाद तो फिर से वो दिखने लगता है। तो ज़्यादातर लोग पार्लर जाते हैं ब्लैकेट रिमूव करने, बट इस लॉकडाउन में हम पार्लर नहीं जा सकते। लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी हम तुरंत पार्लर नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पार्लर में रिमूव भी करवाते हो ब्लैकेट्स, तो पेन होता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो पेन होता है। तो मैं आप टिप लेके आई हूँ ना, अगर आप इस चीज़ को जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को अपनाओगे तो आपके दो हफ्ते तक ब्लैकेट्स नहीं आएंगे। कई कई बार ऐसा होता है कि ब्लैकेट्स तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपको दो तीन महीने तक ये टिप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो की स्टार्टिंग करूं उससे पहले, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बात करते हैं कि आपको करना क्या है। जो ये मेरा नुस्खा है वो फेविकॉल का। फेविकॉल सबके घर में होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। इससे हम ब्लैकेट्स रिमूव करेंगे। जी हाँ, इससे हम ब्लैकेट्स रिमूव करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या पागलपंती वाली बात कर रही हूँ, बट मैं आपको अपने ऊपर ट्राई करके भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं ट्राई करके नहीं दिखाऊंगी। और चलो, ये कह रहे होंगे हम फेविकॉल अपने स्किन पे लगाएंगे तो स्किन खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी स्किन खराब हो जाती है। मैं पर्सनली फेविकॉल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं जो चीज़ पर्सनली यूज़ करती हूँ वही चीज़ आप लोग को भी बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वैसे स्किन खराब हो जाए। और वैसे भी ज़्यादातर हमारे ब्लैकेट्स कहाँ होते हैं, ज़्यादातर हमारे ब्लैकेट्स या तो नोज़ पे होते हैं या चिन पे होते हैं। चिन पे तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नोज़ पे होते हैं। मैंने बहुत से पार्लरों में देखा, ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो नोज़ का ही रिमूव करवाने आते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं ये टिप लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आपको करना क्या है। ये फेविकॉल है, आपको फेविकॉल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितना फेविकॉल लेना है। देखिए, सिर्फ इतना सा फेविकॉल लेना है, इससे ज़्यादा फेविकॉल नहीं लेना है। सिर्फ ये एक ड्रॉप है, इतना ही लेना है। और इसको क्या करना है, आपको अपनी नोज़ पे लगाना है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। नोज़ पे अच्छे से लगा लीजिए और बहुत ही पतली लेयर लगानी है। आप देख रहे हैं मैंने बहुत पतली लेयर लगाई है, ज़्यादा मोटा मोटा फेविकॉल नहीं दिख रहा है। बहुत ही पतली लेयर लगानी है और पूरी नोज़ कवर्ड नहीं करना है। सिर्फ मेरे यहाँ यहाँ पे ब्लैकेट्स है तो मैं सिर्फ इतने पे एरिया पे ही लगा रही हूँ। यहाँ पे ब्लैकेट्स नहीं है तो मैंने वहाँ नहीं लगाए। तो जहाँ ब्लैकेट्स है वहीं लगाना है और बिल्कुल थिन लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। देखिए, मैंने नोज़ पे लगा लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी नोज़ पे, मुश्किल से ये 2 मिनट के अंदर, 2 या 3 मिनट के अंदर सूख जाएगा। इसको टच नहीं करना है जब तक ये पूरी तरह सूख नहीं जाता। जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा भी नहीं कि कुछ लगा हुआ है। तो आप 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए और अपना जो रेगुलरली घर का काम होता है या आपको जो भी कुछ भी काम है आप अपना वो काम कर लीजिए जब तक ये सूखता नहीं। जब ये सूखेगा तो मैं इसके आगे दिखाती हूँ फिर क्या करते हैं। तो अभी इसके सूखने का वेट करते हैं। देखिए, ये अभी हल्का हल्का सूखा है, पूरी तरह नहीं सूखा है, अभी यहाँ पे गीला है। और अभी इसको लगाए हुए सिर्फ 2 मिनट हुआ है बट अभी तक ये सूखा नहीं है। तो मैं थोड़ा 2 मिनट और वेट करूँगी, तब तक ये मेरा ये वाला भी सूख जाएगा। देखिए, ये वाला पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। 4 मिनट हो गए हैं और ये पूरी तरह सूख चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। ऐसा लग रहा है शाइन कर रही है मेरी नोज़, ऐसा लग रहा है कुछ लगा रखा है बट ये नहीं पता चल रहा है कि फेविकॉल लगा रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रिमूव करेंगे। ये देखिए इसकी फेविकॉल की स्किन निकल रही है। इसको धीरे धीरे रिमूव करिएगा, झटके में रिमूव मत करिएगा वरना ब्लैकेट्स नहीं निकलेंगे। धीरे धीरे रिमूव करिएगा। देखिए, ये निकल के आ गया है।
किनसी निकल के आ गई है फेविकॉल की, इसको अगर आप दिन में देखेंगे, हाथ पे रख के दिन में देखिएगा, तो आपको इसमें आपको अपने ब्लैकहेड्स जरूर नजर आएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को हल्की सी अपनी नोज हल्की सी रफ रफ सी लग रही है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस पर ऑयल लगाऊंगी, या अगर आपके पास क्रीम है मॉइस्चराइजर है तो वो लगा लीजिए, अगर ऑयल है तो थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल लगा लीजिए, इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप देखिएगा कि आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना पेन के आपके ब्लैकहेड्स निकल आएंगे, और एक महीने के बाद ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कभी यूज़ ही ना करना पड़े, ब्लैकहेड्स बिल्कुल ही खत्म हो जाए इससे। बहुत से मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उनके तो बहुत एक दो तो ऐसे ही हैं जिनके ब्लैकहेड्स बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, उनको यूज़ ही नहीं करना पड़ता। कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ साल में दो बार इसको फेविकॉल को अप्लाई करना पड़ता है, बस हो गया, और फेविकॉल से तो स्किन ख़राब हो जाएगी। बट आप ये बताइए, जब फेविकॉल से आप कुछ भी काम करते हैं, चिपकाते हैं, तो आपके हाथ में लग जाता है ना, लेकिन उसके बाद जब आप अपने हाथ धोते हैं तब तो साफ हो जाते हैं, आपके हाथ खराब होते हैं फेविकॉल से। जब आपके हाथ नहीं खराब हो रहे हैं फेविकॉल से, तो आपकी स्किन कैसे खराब हो सकती है। पर्सनली आपको अपने नोज पे करके दिखाया, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ तब ये हो सकता है कि हाँ स्किन डैमेज हो सकती है, बट मैं तो आपको अपने नोज पे करके दिखा रही हूँ ना। अब मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अपना फेस तो नहीं खराब करूंगी ना, आपको तो मैं करके दिखा रही हूँ। जब मैं अपने ऊपर करके दिखा रही हूँ तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोग भी कर सकते हो, ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं है, कुछ नहीं होता है। हल्की सी नोज रेड जरूर हो जाती है, अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो हल्की सी रेड हो जाएगी। देखिए आपको दिख रही होगी, मेरी स्किन जो है हल्की सी रेड हो रखी है, आपको अभी भी दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी मॉइस्चराइज नहीं किया है, ना कोई ऑयल लगाया, ना क्रीम लगाया, हल्की सी रेड है, जिस क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है इसलिए हल्की सी रेड है। और ऐसा नहीं है कि ये जो रेडनेस है बहुत देर तक रहेगी, नहीं, ये रेडनेस सिर्फ 5 या 10 मिनट तक रहेगी, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी किया है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप मिरर में जाके चेक करिएगा, आपके नोज के जितने भी ब्लैकहेड्स है ना पूरे हट गए होंगे, हो सकता है एक दो रह गए होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से हट गए होंगे, एक दो रह गए होंगे, बट ऐसा नहीं कि अगर एक दो रह गए हैं तो फिर से फेविकॉल लगा के फिर से इस्तेमाल करिए, नहीं, एटलीस्ट 1 वीक का वेट करिए, क्योंकि अभी आपने स्किन पे फेविकॉल लगाया है, जब फेविकॉल के आप लेयर हटाते हो तो उससे क्या होता है, जो आपके नोज पे जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है, जो स्किन का ऑयल होता है वो निकल जाता है। अगर एकदम से आप फिर से करोगे तो एकदम से नोज आपकी बहुत ड्राई हो जाएगी, इसलिए हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। आप या तो क्रीम लगा लीजिए या मॉइस्चराइजर लगा लीजिए या नारियल का तेल लगा लीजिए, उससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत ऑयल निकला है वो दोबारा से स्किन के अंदर चला जाएगा। फेविकॉल वाला नुस्खा ट्राई करके जरूर देखिएगा, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ आपको बेनिफिट हुआ है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिनको भी ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ करके अपनी ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।